सर मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हुआ है यूनिवर्सिटी? सर, यूनिवर्सिटी मकाउट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल। अभी क्या कर रही हैं? सर प्रेजेंटली मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। पोस्ट क्या है? सर पोस्ट हम लोग मेरा ग्रुप सी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इंजीनियरिंग करने के बाद आप इनकम टैक्स में काम कर रही हैं, अब प्रशासन में आने का सोच रही हैं। ये आपको नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग वाला बेकार हो गया, तो इनकम टैक्स वाला एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन में इनकम टैक्स का कुछ इस्तेमाल है नहीं। सर की मैं आपके से सहमत हूँ। इनका नाम है अपने इनके कोर्स के समय और अपने बच्चे वर्क मतलब करिए कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी और मुझे अपनी तैयारी करनी थी, क्योंकि मेरी फाइनली फाइनल एम सिविल सर्विसेज थी। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए एक मैं ऐसा सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ताकि मुझे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़े और मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर सकूं। और मेरी जो भी जो नॉलेज गेन हुई है, मैं उसको ऑब्वियसली टेक्निकल प्लस जो इनकम टैक्स की जो नॉलेज है, पब्लिक डीलिंग विद रिलेटेड टू टैक्स, वो सब मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी अपनी सिविल सर्विसेज की, और मैं योगदान करना चाहूंगी। अच्छा, बिहार सरकार में अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किस सॉफ्टवेयर से चलता है, क्या प्रोसेस है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। आप बताई थी कि टीसीएस में मैं काम करती हूँ, तो टीसीएस यस को सर। में जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम वर्क अलॉट उन्हीं को किया गया है, बैंकिंग सिस्टम में या जो पेमेंट सिस्टम है या टैक्सेशन सिस्टम। अब जो आप यस जैसे सर। जो टीसीएस में काम करके आए हैं उनको एक स्पेशल एडवांटेज होगा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, क्योंकि वो अक्वेंटेड है। यस तो आप बताइए कि एक एसडीएम जिसके पास वेल इक्विप्ड नॉलेज है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का, आप साइबर क्राइम कैसे रोकेंगी? सर। सर साइबर क्राइम रोकने के लिए सबसे पहले वो जो सबसे पहले एक अवेयरनेस क्रिएट करना होगा पीपल 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 में, वो जो करना साइट की ऑनियन ताकि और एजेंसी भी स्ट्रांग होने चाहिए सर। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी स्ट्रांग होने चाहिए रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स। सर देखिए, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है, सुनाई नहीं पड़ रहा। अदिति हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हाँ, आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आपका ऐसा पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं लोग, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। सर मैं फिर से आंसर बताऊं? हाँ बताओ। हेलो यस गो ऑन। सर आंसर बताऊं? जी बताइए। पर अनवांटेड साइट्स पे क्लिक नहीं कर और सेकंड आप जगह बदल के फिर से, एक यहाँ पर अदिति बार बार यही प्रॉब्लम हो रहा है। आप जगह बदलिए, जहाँ पे हैं आप वहां से किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। जिस सप्लायर है उससे दूसरा ले लीजिए, जियो है तो एयरटेल रखिए या एयरटेल है तो जियो कर लीजिए। नहीं अब सुनाई पड़ता है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये तो यस सर। हाँ लगता है वो बिल्डिंग का लोकेशन। अच्छा
अच्छा ये बताइए, आप इसी स्टूडेंट है, ये कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन है? हम लोग जो अभी कम्युनिकेशन हो रही है किस टाइप का यस सर, सर वर्चुअल कम्युनिकेशन, सर नहीं, वर्चुअल कम्युनिकेशन। ये तो साहित्यिक वर्ड हो गया, हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। यस सर, सर डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। यस, डिजिटल कम्युनिकेशन इट इज देयर, बट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इट इज डुअल डुप्लेक्सर और समथिंग एल्स। सॉरी सर, नहीं पता है मुझे, सॉरी सर। Nowadays we are talking about 5G. What is advantage of 5G over 4G? Yes, sir. Sir, 5G will provide 10 GB per second data for uploading and downloading. So it is much faster than 4G, and also it will boost artificial intelligence and Internet of Things application immensely. Okay. And yes, sir. And 5G will also solve the problem of telemedicine, which has been seen in corona pandemic, which was much need of telemedicine in rural areas. Artificial involvement of artificial intelligence and the Internet of Things will reduce the manpower hindrance, which will create a chaotic environment of unemployment. Are you okay? Yes, sir. I agree with this. It will reduce manpower, but at the same time, it will make the work easy and comfortable, and errors also it will reduce. In one hand, we are talking about unemployment. It is on highest level of 40 years. Another hand, we are deploying artificial intelligence, which is reducing human efforts. Computer and robot will work instead of manpower. तो इंडिया के लिए ये अभी है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? यस सर, सर एक्चुअली इंडिया इज नाउ इन नेसेंट स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट विल टेक टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आई डोंट थिंक नाउ दैट इन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम विल बी देयर, इट विल टेक टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज नाउ 5G हैज स्टार्टेड, 5G विल हैज स्टार्टेड ओनली नाउ, सो सर आप AI का यूज करके प्रशासन में क्या एडवांटेज ले सकती हैं? अच्छा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अभी प्रशासन में जैसे अभी रोबोट्स रहते हैं पैंडेमिक के समय में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो रोबोट्स को भी काम को इजी बना देते हैं, जैसे स्पेशली किसी का टेम्परेचर मेजर करना हो या चेक करना हो कि कोई प्रॉब्लम है बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल है, तो ये मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ जिससे जिससे सबके हित में होगा, और फिर पैंडेमिक में भी हम लोग को थोड़ा सहायता प्राप्त होगा। Your optional is optional for LSW है? Yes sir. LSW विषय लेने का के पीछे क्या कारण है? सर सबसे पहले तो मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो BPSC के ऑप्शनल में नहीं थी, तो मैंने और मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, थ्रू आउट मैं वर्किंग रही हूँ, तो मुझे वर्किंग के साथ ही मुझे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी थी, तो इसलिए मैंने LSW की जब सिलेबस देखी तो काफ़ी 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 इजी थी, और उसके मटेरियल्स भी मुझे इजली अवेलेबल हो गई कि मैं अपनी वर्किंग के साथ उसे अच्छे से मैनेज कर सकूँ, और उसकी जो बेनिफिट थी मैं देखी कि उसके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स टॉपिक हैं वो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वेमेन चाइल्ड लेबर इस सब पे पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी में काम होती है, तो इसलिए मेरा मेन रीजन था। चलिए, आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन कर लिए गए और यस आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ गए और वहाँ पे आपने चाइल्ड लेबर को देखा, यस सर, तो ऐसा आप क्या करेंगे जिससे कि उस बच्चे को आप निकाल सके वहां से? सर
सर एक बार पार्डन करिएगा ना क्वेश्चन, सॉरी सर। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है? यस सर। आप अपने सीनियर अधिकारी के यहाँ गए, वहाँ आपने देखा कि चाइल्ड लेबर आपको सर्व कर रहा है, ठीक है? तो आप ऐसा क्या प्रयास करेंगी जिससे कि उस बच्चे को उससे मुक्ति मिल सके? सर सबसे पहले मैं अपने सीनियर ऑफिसर हैं उनसे मैं डिस्कस करूंगी कि एज चाइल्ड लेबर तो प्रोहिबिटेड है, बैंड है, तो ये सही नहीं रहेगा कि वहाँ पे इन लोग के एम्प्लॉयड हैं, तो इसके लिए हम लोग को आपको लगता है अपने सीनियर अधिकारी से आप डिस्कस करेंगे? सर मैं एक बार उनसे बात करूंगी, अगर वो नहीं राजी हुए तो फिर, क्योंकि ये तो गलत, जो चीज गलत है तो वो गलत ही है, तो मैं उसमें रिस्क लूंगी और मैं इसको मैं अपने पे उस बात पे सब अपने एग्री रहूंगी कि वो गलत है, तो इसको आवाज उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। आवाज उठाएंगे तो इसके? यस सर। अच्छा, ये चाइल्ड हेल्पलाइन जारी किया जाता है, तो कौन कितना नंबर है वो चाइल्ड हेल्पलाइन का? सर सर एग्जैक्टली तो नहीं पता है, सर 100 है क्या? 100 नहीं, विमेन नहीं, सॉरी सर। गुलजारी लाल नंदा का नाम सुना है? यस सर। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुलजारी लाल नंदा इन एलएसडब्ल्यू और लिवर सिस्टम ऑफ इंडिया? सर हिज कंट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू ट्रेड ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट। गिव ए स्पेसिफिक, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन? सॉरी सर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है। अच्छा, आईएलओ का नाम सुना है? यस सर। आईएलओ के 8 पिलर है, 8 स्तंभ? यस सर। यस सर। भारत ने इसमें कितने को अपनाया है? सर भारत ने 6 को अपनाया है। कौन कौन है 6? सर इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, सर इक्वल वेजेस फॉर बोथ मेन एंड वेमेन, एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, एंड मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, फिक्स टाइमिंग फॉर वर्कर्स, और सर नहीं पता है अभी सर, सॉरी सर। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण, इस दोनों में क्या अंतर है? सर सामाजिक सुरक्षा के अंदर जब भी कोई कंटीजेंसी लाइफ में आ जाती है, रिस्क आ जाती है रिलेटेड टू सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटर्निटी, ओल्ड एज, डेथ, तब इसमें सरकार जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जनता को ये सब मैटर से रिलेटेड रिस्क में, उसे हम लोग सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। और सामाजिक कल्याण में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है फॉर द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, सो दैट वो लोग अच्छे से अपना लाइफ कंटिन्यू करें विथ मिनिमम बेसिक नीड्स। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में चयन किया जाए, बीपीएससी में चयन किया जाए, ऐसी क्या क्वालिटी है आपकी? अच्छा सर, सर सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटीज मेरे में है, और मैं कोई भी चीज़ को बहुत ही मतलब ग्रास्प इजीली कर लेती हूँ, कोई भी नया वर्ड को मैं जल्दी सीख लेती हूँ, और सर आई हैव द क्वालिटी ऑफ ऑल्सो प्रोबिटी, ऑनेस्ट हूँ मैं अपने जो भी वर्क में, ऑनेस्ट रहती हूँ। कमजोरियाँ क्या क्या है? सर कमजोरियाँ मेरी है कि मैं पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, मैं एक्चुअली बहुत लोग से घुलती मिलती नहीं थी, तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया, और मैं अभी अपने न्यू ईयर में एक रिजोल्यूशन ली हूँ कि मैं मतलब कि डेली कम से कम 5 लोग से बात करूँगी, जिससे मैं थोड़ा मतलब वो अच्छा से कम्युनिकेशन स्किल हो, और मैं इस पर वर्क कर रही हूँ सर। दूसरा और
सर दूसरा कमियाँ ये है कि जैसे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ आफ्टर आफ्टर मेरे वर्क के बाद, तो मुझे बहुत लिमिटेड टाइम मिलती है, तो मैं उसी में अपना पूरा जी जान लगा देती हूँ, तो कभी कभी सोने में मुझे लेट हो जाती है और वो कभी कभी हेल्थ पे भी मेरी इफेक्ट हो जाती है, तो इस तो इसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है सर। और सर कि जैसे मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ कि मैं अपने स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करूँ। यस सर। एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार की 3 योजनाओं के बारे में बताएं जिसने बहुत ज्यादा लोगों को कवर किया, बहुत ज्यादा महिलाओं को कवर किया। स्कीम्स सर, स्कीम्स या स्कीम्स सर, उज्ज्वला योजना सर, इसमें एलपीजी सिलेंडर गैस पुअर वेमेन लोग को दिया जाता है, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे वो नॉर्मल वो फायरवुड पे नहीं खाना बनाए और हेल्थ पे इफेक्ट नहीं हो उनके। और सर उज्ज्वला योजना, और सेकेंडली है कन्या उत्थान योजना। सर कन्या उत्थान योजना, इसमें सरकार जो है वो जो जब जब भी कोई लड़की जन्म लेती है तभी से उसके अकाउंट खोल दिए जाते हैं और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता रहता है जब तक उनकी शादी की एज नहीं हो जाए, जिससे उनकी पढ़ाई की खर्च भी हो जाए और शादी भी अच्छे से हो जाए। तो ये एम्पावरमेंट करते हैं, कदम करते हैं। तुम ये बताओ कि तुमने अभी दिया, क्या क्या तुम्हें कमी नजर आई? सर मेरे में थोड़ा सा एलएसडब्ल्यू की पे वर्क करना है मुझे, उसकी बेसिक जैसे आईएलओ सब पे वर्क करना है, वो मुझे पता नहीं था। और सर स्पीड पे वर्क करना है मुझे, स्पीड थोड़ा स्लो करना है। और सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नॉलेज पे भी वर्क करना है। अच्छा, क्या क्या लगा तुम्हें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगा तुम्हें? स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर की जो मुझे नहीं पता था उसे मैं नहीं बोली, और जो मेरी सच में प्रॉब्लम थी वो मैं सही से बोली। नाउ मेरी सुनो, आप उसको नोट डाउन करो। यस सर। यस सर। कुछ ज्यादा बोलती है, ज्यादा बोलती, समझे? यस सर। हाँ। जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर देना, उससे क्या होता है जैसे अभी तो आगे पता चलेगा तुमको, जैसे मैंने पूछा 3 योजना बताओ, सिर्फ तुमको 3 योजना बतानी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तुमसे पूछा जाए काउंटर क्वेश्चन में तब तुम एक्सप्लेन करो, ठीक है? ओके सर। ये बहुत खराब है, और एक तो दो तरीके से खराब है कि एक तो ये हो रहा है कि ये सुपरफिशियल आगे बढ़ रहा है, दूसरा क्या है कि अगर आप फास्टली जो पूछा गया उससे ज्यादा बोल रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन की संभावना है। तो जितना बोला जाए, yes. एक लाइन में इंटरव्यू में है कि जितना संक्षिप्त बोला जाए, कम से कम बोला जाए, उस पर ध्यान देना, ठीक है? तो जितना बोले उतना दो, फिर उनको काउंटर क्वेश्चन पूछने तो तब फिर तुम आंसर देना है, ठीक है? ये एक चीज है कि तुमको मैंने 2-3 जगह देखा है कि जो पूछा गया संक्षिप्त में 2 लाइन आंसर दो फिर पूछा जाए, है ना? गौर कर ले, वीडियो हम भेज देंगे। दूसरा फास्ट तो बोल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और दूसरा है कि LSW का तो ठीक हो जाएगा, मैंने शायद मटेरियल भेज भी दिया है तुम्हें। यस सर। हाँ हाँ, उसको देख लेना, ठीक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक पे वो चाचा जी सामने में है, अगर कुछ होगा तो बीच बीच में हम उससे बात करवा देंगे, तुमको बता देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है? इसी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, वो चाचा जी देख लेंगे तुमको, ठीक है? हम उनका नंबर दे देंगे तुमको, देख लें, ठीक है? ठीक है। और आप लोग दीजिए फीडबैक, दीजिए आप लोग। काफी कुछ ठीक था, फर्स्ट इंटरव्यू था, काफी कुछ ठीक रहा। बेसिक जो मीडिया में वर्ड आपसे रिलेटेड, इधर बिलोंग टू योर ग्रेजुएशन और बिलोंग टू योर फ्यूचर जॉब और पास्ट जॉब,
जो मीडिया में है उससे आपसे पूछा जा सकता है। 5G इज इन मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन मीडिया, करंटली जो RF रेडिएशन वगैरह, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये सब मीडिया में है। दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू साइंटिफिक व्यूज, सो ये पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा तो हम लोग को अपॉइंटेड रहना है। अगर पूछ दिया तो ये आपका किस्मत अच्छा है, उसी पर इंटरव्यू आपका मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। ये पॉजिटिव है इंजीनियर्स के लिए, अच्छा है, समझे? अगर इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र से पूछ दे तो मतलब आपका गुड लक है कि आप तो एकदम, क्योंकि इधर वाले लोग उतने अक्वाइंटेड नहीं होंगे, उधर से कोई भी इंजीनियर नहीं होंगे, बट आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कन्विंस कर देंगे, यू विल बी अवार्डेड मोर देन 90 मार्क्स।